स्वागत है आपका माय किचन रेसिपी में। आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंट मैंगो पिकल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो 2-3 सालों तक ख़राब भी नहीं होती और बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 800 ग्राम ये कच्चे आम लिए हैं और 100 ग्राम मिर्ची है और 100 ग्राम अदरक है। अब हम इसको छीन लेते हैं, इस तरह से इसको छील लेना है। देखिए, 1 by 1 करके सब छील लें। मैं ये चार खुद 2 साल के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास था और ख़राब होता नहीं है ये जल्दी। ये देखिए, मैंने छील लिया है, इसको धो लिया है और इससे हम अदरक को भी छील लिया है। इस तरह मोटे वाले जो होते हैं तरफ से इसको घसना है, कद्दूकस करना है, महीन वाले से नहीं करना है इसे। कुछ इस तरह से, ये देखिए, हाथ बचा करके घिसे, जो बच जाए उसे हम चाकू से भी निकाल सकते हैं, इसलिए सावधानी बरते हैं आप। ये देखिए, 1 by 1 हम सारे को घिस लेंगे इस तरह से, जैसे भी आपको सुविधा लगे वैसे आप घिस लें। देखिए, हमारा ये रेडी हो गया है। अब इसमें जो बच गए हैं उसको मैं ये नाइफ की सहायता से निकाल लेती हूँ। देखिए, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये हम मिर्ची को थोड़ा सा मोटा मोटा काट लेंगे, थोड़ा 1-2 पीसेस में, ताकि वो आसानी से ग्राइंड हो जाए। और अदरक को भी इसे बारीक नहीं पीसना है हमें, इसे दरदरा रखें आप। ये देखिए, कुछ इस तरह से, ये बिल्कुल बारीक नहीं है। अब हम इसमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर मिला करके इसको हम गरम जगह पे रखेंगे, जैसे कि बालकनी है होता है हम लोग के यहाँ, तो उसको धूप नहीं लगाए, उसको बस बाहर रख दें जहाँ पे धूप ना आती हो, बस गर्म हो। तो 3-4 घंटे उसको रहने दें और बीच बीच में पलटते रहें, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और सालों साल इसलिए ख़राब भी नहीं होता है। ये देखिए, मैं अपने बालकनी में इसको रखी हूँ, यहाँ पे धूप नहीं है, बस गर्म है। ये हो जाएगा। और इसके लिए मैंने 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसको हमें गर्म करना है जब तक उसमें से महक बाहर न आने लगे। जैसे ही महक आएगा तो हम उसमें फिर 1/4 टेबल स्पून हींग डाल देंगे, हींग पाउडर, और उसको फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे, उसको ठंडा होने देंगे। जब हम अचार बनाएंगे, जब मिक्स करेंगे सारे मसाले, तो ये ठंडे होने चाहिए, गर्म बिल्कुल ना कर रखें। इसके लिए मैंने एक पैन पे, देखिए, 2 चम्मच जीरा, 4 चम्मच पीला सरसों और 1 चम्मच मेथी दाना लिया, और इसको लो या मीडियम फ्लेम पे ही भून ले। इसमें बहुत ही ज़्यादा रेड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट अरोमा कम बाहर आएगा तो हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरह से इसको भी हम दरदरा पीसेंगे, बारीक बिल्कुल ना पीसे, दरदरा ही अच्छा लगता है अचार के साथ। इसे मिक्स, जो हमारा मिक्सचर सूख गया है, थोड़ा सा ड्राई हो गया है, उसमें हम इसको मिला देते हैं, साथ ही सारे मसाले भी। 1 चम्मच हमारा कलौंजी, जिसे मंगरेला भी कहते हैं, 1 चम्मच जीरा, हल्दी पहले से डला हुआ है तो हम थोड़ा ही हल्दी लेते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि पहले से इसमें मिर्च पिसी हुई है तो ज़्यादा मिर्च की ज़रूरत नहीं है, और नमक बिल्कुल नहीं डाला गया है, तो हम इसमें 4 चम्मच नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक ज़्यादा रहेगा तो बाद में सही हो जाएगा, अभी जैसे ज़्यादा लग रहा होगा तो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा शुरू में ही डाल दें, हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए टेस्ट से। 1 चम्मच धनिया पाउडर,
और ये जो हम तेल गरम किए थे ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसको भी हम इसमें मिला लेंगे, लेकिन पूरा एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इसे आप तुरंत खा सकते हैं, बिल्कुल रुकने की ज़रूरत नहीं कि ये बनेगा तैयार होगा तब हम खाएं, रोटी पराठे के साथ ये सब बहुत ही अच्छी लगती है। ये मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि इसमें नमक कैसा है, बहुत ही अच्छा है। अब जो बचा हुआ तेल है हम उसको भी डाल लेते हैं और इसे एयर टाइट जार में रखें, दो तीन दिन इसको धूप में रखें, उसके बाद ये कई सालों तक ख़राब नहीं होगा। आप ज़रूर इसे ट्राई करें, बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।